महिला सरपंच से मारपीट का मामला, सैकड़ों ग्रामीणों ने घेरा एसपी का ऑफिस, समर्थन में आए रहगांव विधायक। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू, द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। महर क्षेत्र के नानन थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत जरियारी में दलित महिला सरपंच और पंचों समेत अन्य लोगों के साथ ग्राम सभा के दौरान दबंगों के द्वारा मारपीट किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपियों के प्रति पुलिसिया उदारता से नाराज ग्रामीण शनिवार को सतना पहुंचे। उनके समर्थन में रहगांव की कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा भी उनके बीच जा पहुंची, तो युवा कार्यकर्ता प्रदर्शन करने सड़क पर उतर आए। इन सबके बीच पुलिस लगातार सफाई देती रही और 151 में पेशी कराकर छोड़े गए आरोपियों की तलाश में हुए दावे करती रही। भवनिया साकेत समेत अन्य ग्रामीणों के साथ आदतन अपराधी चंद्र प्रकाश पटेल उर्फ छोटू और उसके साथियों द्वारा मारपीट कर जातिगत तौर पर अपमानित करने के मामले में सतना में तूल पकड़ लिया है। इस मामले में नादर पुलिस ने आईपीसी धारा 452, 353, 332, 294, 506 और 34 के अलावा, हालांकि SC/ST एक्ट धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपी चंद्र प्रकाश पटेल, छोटू चंद्रशेखर पटेल, ब्रजभान पटेल एवं बिजकिशोर लोनी को 151 के मामूली चालान पर तहसील कोर्ट में पेश कराकर जमानत का रास्ता दिखा दिया था। शुक्रवार की रात सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में आया तो रहगांव की विधायक कल्पना वर्मा, महर विधायक नारायण त्रिपाठी और सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मुखर उठे। सिद्धार्थ ने ट्वीट कर आंदोलन की चेतावनी दी तो कल्पना ने भी दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। भाजपा से एकमात्र विधायक नारायण ने इस घटना को निंदनीय बताते हुए आदतन अपराधी छोटू पटेल को रियायत देने पर पुलिस को घेरा। शनिवार की दोपहर पीड़ित सरपंच ललिता बौद्ध और दबंगों का शिकार बने पंच तथा अन्य सैकड़ों ग्रामीणों के साथ सतना आ पहुंचे और एसपी ऑफिस के सामने आ जमे। विधायक कल्पना वर्मा भी उनके साथ आई। बारिश की बूंदों के बीच पहुंचे ग्रामीणों ने भाजपा पंचायत राज्य मंत्री सांसद प्रदेश सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वे मांग रहे थे कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि छोटू पटेल एवं उनके साथी जाति तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, दलित महिला सरपंच को काम नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। इस पूरे खेल में सचिव की भी मिली भगत है। सजाती होने के कारण सचिव भी छोटू पटेल एवं उनके साथियों के साथ खड़ा रहता है। प्रदर्शनकारियों के बीच एडिशनल एसपी SK जैन ने पहुंचकर उन्हें समझाइश दी। उन्हें बताया कि पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया था, आरोपियों के खिलाफ उचित धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और शीघ्र ही आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आरोपी छोटू पटेल के खिलाफ और भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 151 में पेश किए जाने के ग्रामीणों के सवालों का पुलिस संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। विधायक कल्पना वर्मा ने भी चेतावनी दी कि अगर शीघ्र न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। काफी देर तक चली बातचीत के बाद आश्वासन लेकर ग्रामीण वापस लौट आए। ग्रामीणों ने SP ऑफिस के सामने जमबाड़ा लगाया तो उधर सिविल लाइन में युवक कांग्रेसकर्ताओं ने युवा नेता विक्रांत त्रिपाठी उर्फ विक्की के नेतृत्व पर इस मुद्दे पर आंखों में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सिविल लाइन स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष एकत्र हुए युवा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। युवा नेता विक्रांत त्रिपाठी विक्की ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासन में भाजपा नेताओं द्वारा संरक्षित घोषित अपराधी दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, महिला जनप्रतिनिधि को अपमानित व प्रताड़ित किया है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई न हुई तो युवा जिले स्तरीय आंदोलन करेंगे। रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। मैं ललिता बोध, सरपंच जरियारी के। मेरे साथ मारपीट हुई है ग्राम पंचायत में। सभी लोग दबंगे लोग ने हमारे हाथ कुर्सी ढकेले और हम गिर गए और फिर हमारे साथ मंगलसूत्र भी छीना गया और महिला को कुछ सभी को छेड़छाड़ की, साड़ी भी छीनी, उनकी ब्लाउज भी, किसी के हाथ में, किसी के गले में, सभी की मारपीट।